बाद में बताएंगे हम पिछले की सैनिक का ऑपरेशन करानी है। इन्होंने मुझे पहले बोला भी पहले उस कितने हफ्ते में आ रही थी, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। मैं बीपी बढ़ रहा था, जब मैं 25 तारीख को आई तो मंगलवार को इसका ऑपरेशन हो गया। मैं 5-4 दिन रही इनके इधर ही, इन्होंने मुझे छुट्टी करके भेज दिया। तो मैं फिर मुझे बोला, उन्होंने पर्चे पे लिख दिया भी तुम हफ्ते के बाद आना, 7 दिन के बाद। मैं जब 7 दिन के बाद मेरी बहू को घर छोड़ के आ गई, मैं शुक्रवार को आई, मैं पहले देख लूं भी डॉक्टर साहब है या नहीं, भी मैं इतनी दूर से कहां से रहूं, मेरी बहू का शरीर भी थोड़ा सा भारी है, भी टंके टुके भी खेलन आ जाए। जब मैंने घर जाके देखा तो मेरी बहू का पेट इतना हुआ है। मुझे कहते मम्मी तुम मुझे कहीं और कहीं ले जाओ, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं सिटी हॉस्पिटल ले गई, अपने कागज पत्र 40-45 हजार में गिरवे रखे, 40-45 हजार में गिरवे रखे मेरे सिटी हॉस्पिटल में, वहां पे मेरा खर्चा हो गया। डॉक्टर साहब के पास से भी मुझे कुछ चारा नहीं मिला, तो मुझे डॉक्टर साहब बोले तुम ऐसे करो, चिंता ना करो, हम तुम्हारा कोई इंतजाम करेंगे। मैम मुझे मेरी बहू का इलाज होना चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अब मेरी बहू को मैं मेरे तो लगी थी, फिर जब सिटी हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया मुझे, तो मैं उनको वहां पे पेट पड़ के फिर मैं मेरे तो लगी। डॉक्टर पांडे हमारे सर्जन है, उन्होंने लास्ट मंथ जून में 24-25 में शायद इसका ऑपरेशन किया था गॉल ब्लैडर का। तो पेशेंट को उन्होंने छुट्टी कर दी थी, घर भेजी थी, फिर वो अर्ली चले गए। उसके बाद ये बता रहे हैं कि पेशेंट को कोई परेशानी हुई तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए, यहाँ भी ले गए, मेरठ भी ले गए, और अल्टीमेटली मतलब पेशेंट एक्सपायर कर गई। तो पेशेंट की डेड बॉडी के साथ यहाँ ये कह रहे हैं कि उन सर्जन को बुलाओ यहाँ पे। तो सर्जन अर्न लीव पे थे 1 महीने की, अभी उनसे टेलीफोनिकली बात की, स्पीकर पे ही बात कर ली है डॉक्टर के साथ ही। तो उनको आज चेस्ट पेन भयंकर हो गया डॉक्टर को, तो देहरादून में दिखा रहे हैं, वो कल को आएंगे। तो पेशेंट को यहाँ से छुट्टी की होगी, फिर क्या हुआ वो पूरे मेरे संज्ञान में नहीं है। पेशेंट भी ये जो अटेंडेंट हैं ढंग से बता नहीं पा रहे हैं ऐसा, तो बात मतलब ये तो डॉक्टर बताएंगे, नर्स तो कोई जबरदस्त जानबूझ के कोई डॉक्टर काटेगा नहीं। और अगर मरीज की छुट्टी कर रहा है डॉक्टर तो ये सोच के कर रहा होगा कि पेशेंट ठीक है, नहीं तो उसी समय टाइमली वो रेफर का कुछ बताते। तो मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हीं से मेरे को पूरी जानकारी मिल पाएगी।